उससे हम ट्यूशन घर घर जाके पढ़ा लेते हैं, उससे हमको क्या होता है फॉर्म वॉर्म भरने के लिए पैसा हो जाता है। हम एमए तक पढ़ाई की। एमए किस सब्जेक्ट से? एमए किए इंग्लिश। इंग्लिश ऑनर्स आपका था जी। उसके बाद बीएड आपने किया जी। कहाँ से पैसा लाए बीएड करने का? बीएड करने के लिए नीतीश सरकार के साथ निश्चय योजना से हमें लोन मिला। साल के हमारा जीवन में बहुत सारा सुधार हुआ करके हम शिक्षक की तैयारी अभी कर रहे हैं। इस बार विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आठवीं में पढ़ते थे उसी समय से आप ट्यूशन करवा रहे हैं? उसी तरह से आज तक हम ट्यूशन चलाते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे युवा हैं जो आर्थिक मजबूरी के कारण सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे दिव्यांग युवक से मिलाने जा रहे हैं जो आर्थिक मजबूरी के बावजूद भी इंग्लिश से एमए किए और एमए करने के बाद इन्होंने सरकार से मदद लेकर के बीएड किया है और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। सामने में इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल पर बैठे हुए एक भैया आपको नजर आ रहे हैं जो दिव्यांग है। ये ट्राइसिकल भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजना से दिया गया है और ये बीएड किए हुए हैं, वो भी इंग्लिश से। सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर कैसे इन्होंने बीएड किया, ये साइकिल इन्हें कैसे मिली है और क्या कुछ ये करते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष कुमार, ये साइकिल आपको किसने दिया? ये साइकिल हमको माननीय कौशलेंद्र कुमार जी दिलवाए, यानी एमपी जो है नालंदा के। हाँ। उन्हीं के मद से आपको ये साइकिल मिला है जी। ये साइकिल आपके जीवन में कितना उपयोगी है? इससे हम होम ट्यूशन घर घर जाके पढ़ा लेते हैं, उससे हमको क्या होता है फॉर्म वॉर्म भरने के लिए पैसा हो जाता है, हमको बहुत सारा मदद हो जाता है। कहीं ट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास नहीं करना पड़ता है, जहां तहां भी बिहार जाके हम टेस्ट देते हैं। इस साल के हमारा जीवन में बहुत सारा सुधार हुआ, इस साइकिल से बहुत सुधार हुआ है जी। तो जिस संतोष कुमार को आप सुन रहे हैं, ये इसी साइकिल से घर घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्योंकि ये खुद इंग्लिश से बीएड किए हुए हैं और पढ़ने में भी काफ़ी टैलेंट हैं। और भी इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं भैया? हम एमए तक पढ़ाई किए। एमए किस सब्जेक्ट से एमए किए? इंग्लिश। इंग्लिश ऑनर्स आपका था जी। उसके बाद बीएड आपने किया जी। कहाँ से पैसा लाए बीएड करने का? बीएड करने के लिए नीतीश सरकार के साथ निश्चय योजना से हमें लोन मिला। अच्छा। और वहीं से हम श्रवण कुमार मंत्री जो हैं उनके कॉलेज से बीएड किए और बीएड पास करके हम शिक्षक की तैयारी अभी कर रहे हैं। टीयर वन में हम लोग को बीएड वाला के बाहर कर दिया गया था, लेकिन हम लोग डू में दिए तो 7-8 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हम शिक्षक बन जाएंगे। यानी इस बार उम्मीद है कि शिक्षक बन जाइएगा जी, है ना? विश्वास है जी, जी। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है जी। तो देखिए, ये संतोष भैया हैं जिनको अपने टैलेंट पे भरोसा है और इन्हें उम्मीद है कि इस बार जो बिहार सरकार शिक्षक बहाली में परीक्षा लेगी, उस परीक्षा में ये पास करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। क्यों नहीं सफलता हासिल करेंगे? क्योंकि इन्होंने गरीबी को देखा है, इन्होंने मजबूरी को देखा है, आर्थिक कमजोरी को देखा है। और जो बच्चा निश्चित तौर पे आर्थिक कमजोरी को देखता है, वो पढ़ने में टैलेंट होता है, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है। ये भी कोई अमीर घर के बच्चे नहीं है, ये भी एक गरीब घर के बच्चे हैं। आपके पापा क्या करते हैं भैया? हमारा पापा स्वर्गीय बने हैं। आपके पिताजी नहीं हैं जी? नहीं। आप कितने भाई हैं? हम तीन भाई। तीन भाई हैं और सबसे बड़े आप हैं? नहीं, हम मांझिल। मांझिल हैं। तो कैसे आपको पैसा पढ़ने उड़ने के लिए आता था? हम लोग को पढ़ने के लिए ज़्यादातर कुछ मम्मी उम्मी या भाई देता था, बाकी हम ट्यूशन सब दिन चलाते हैं। आठवें से हम पढ़ाई करवाते हैं। अच्छा, जब आठवीं में पढ़ते थे उसी समय से आप ट्यूशन करवा जी रहे हैं? उसी तरह से आज तक हम ट्यूशन चलाते हैं। हम 5,000-10,000 के महीना ट्यूशन से कमा लेते और उसी से आप अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। और मम्मी भी आप ही के साथ रहती हैं? हाँ, सब लोग एक ही साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, लेकिन सब हम आज तक घर परिवार पर कभी बोझ नहीं बने, हम अपना जीविका चला के किसी तरह से अपना चाह रहे हैं कि हम जीवन में सफल हों। ऐसे भी देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक उदाहरण है। ये खुद कह रहे हैं कि हम अपने परिवार के लिए कभी बोझ नहीं बने, लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, वो परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। परिवार उनको हमेशा मदद करता है, परिवार ही उनको साथ लेकर के चलता है, लेकिन ये खुद अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, सरकार के द्वारा जो इन्हें योजनाएं दी जाती है, सरकार से जो इन्हें लाभ मिलता है, उसका लाभ लेकर के ये पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा भैया, बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश से एमए किए हुए हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ और इंग्लिश हम पढ़ाते हैं। मैथ और इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश में मान लीजिए ग्रामर पढ़ा लेते हैं, लिटरेचर पढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमने
एमए इंग्लिश से किया है, तो एट नाइन तक तो हम आराम से है जो इंग्लिश सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ा लेते हैं। ये बच्चे लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, इतना तरह का होता है, सब पढ़ा लेते हैं। ग्रामर है, मेरा स्टेट का एग्जाम भी हुआ तो उसमें ग्रामर था, उसमें हम पास किए। एक एग्जाम मेरा बच रहा है केवल बीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला उसमें पास कर जाएंगे तो हम शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप लोगों की दुआएं इनके साथ रहे और ये शिक्षक बने। जिनको आप सुन रहे थे ये दिव्यांग हैं और संभवतः ये 100% दिव्यांग होंगे, भले न कितना है 80 है सर्टिफिकेट में आपको 80 दिया गया है, आईडी कार्ड भी है हम लोग का 80 ही है, लेकिन किस 100 में हो जाता है हम लोग मानसिक विकलांग में आ जाते हैं, फिर हम लोग फॉर्म या किस तरह का तैयारी या कुछ बन नहीं पाता। तो ये मानसिक तो आप नहीं है, है ना। ये साइकिल यानी सरकार के द्वारा मिला है, इस कौशलेंद्र जो हम कौशलेंद्र जी जो हम लोग के सांसद हैं, सांसद महोदय, वो हमारे लिए काफ़ी मेहनत किए, उसके बाद हम उनके नज़दीके वो जाके ऑफिस हमको दिलवाए हैं, ये खुद वो दिलवाए सांसद महोदय, हमारे लिए 3 बार वो ऑफिस गए, 3 बार ऑफिस गए। हाँ यानी सरकार से भी आपको पूरा लाभ मिला, नीतीश सरकार से हम लोग को पूरा लाभ मिला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरकार कोई काम का नहीं है, युवाओं को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज हम आपको गिना देते हैं कि 7 निश्चय योजना है। 7 निश्चय योजना के तहत मान लीजिए आप 10th कर गए, 10th के बाद आप कहीं एडमिशन ले लिए तो उसके बाद सरकार जो है 4 लाख तक लोन देता है। हाँ। तो 4 लाख में हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर, तो 4 लाख लोन में हमको मान लीजिए किसी दूसरे यहाँ से कर्जा लेंगे तो सूद लेगा, ब्याज लेगा, कितना परेशानी है। सरकार से तो कोई परेशानी नहीं है। यदि हमको नौकरी हो जाता है, कोई बढ़िया कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद सरकार को लौटाना भी नहीं पड़ता है। अब 4 लाख हम लोन लिए, 50 या 60 हज़ार में सरकार हमसे फाइनल करवाता है, तो क्या लेता है? कुछ नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेती है। उसके बाद आज मान लीजिए नीतीश कुमार का देन है कि चारों तरफ, पहले हम लोग का कॉलेज जो था यदा कदा नज़र पड़ता, चारों तरफ स्कूल है, चारों तरफ विद्यालय कॉलेज है, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, सब हम लोग को उपलब्ध हो पाया। इसके पहले बहुत सारा दिक्कत था, अब कॉलेज के लिए मान लीजिए बिहार हमको जाना पड़ता था, अब सब जगह खुल जाए। हम ही लोग के गांव में पहले 8 तक स्कूल था, अब 12 तक, तो लोगों को जाना तो नहीं पड़ेगा, गांव में सारा फैसिलिटी है। अच्छा भैया, आप समाज के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? आप दिव्यांग होकर के इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, और कुछ लोग सारा कुछ होने के बावजूद भी, सुखी संपन्न होने के बावजूद भी, पूरा फिजिकली फिट होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जीवन से हार जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ कर पाएंगे, क्या कहिएगा उन लोगों को? हम लोगों को केवल यही कहना है कि मेहनत हम लोग करेंगे तो कहीं भी हम लोग को सफलता मिल जाएगा। परेशानी होगा, दुख होता है थोड़ा सा, समय के लिए हमें नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके हम भविष्य के लिए मेहनत जो है वो सबसे बड़ा कारण बनता है, और जो मेहनत करता है वो सफल होता है, जो मेहनत करता है वो सफल होता है। और इसी उम्मीद को लेकर के संतोष भैया आगे बढ़ रहे हैं, दिव्यांग हैं, ये दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने मनोबल को कमज़ोर होने नहीं दे रहे हैं, अपने मनोबल को गिरने नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग तो फिजिकली फिट होने के बावजूद भी अपने मनोबल को गिरा देते हैं। एक बार जब वो असफल हो जाते हैं तो फिर दोबारा परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये असफल भी हुए हैं बावजूद ये अपने मनोबल को बुलंद रखे हुए हैं, और इनका विश्वास है कि हम अगली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होकर के, एक सफल शिक्षक बन करके विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, समाज के उन लोगों तक शेयर कीजिए जो घर में हाथ पर हाथ रख करके बैठ कर ये कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो संतोष भैया को ज़रूर सुने, क्योंकि इन्होंने समाज को जागरूक करने की कोशिश की है, समाज को जगाने की कोशिश की है, सरकार से कैसे मदद लिया जाए ये इन्होंने बताया।